ये प्रश्न है, वहां पर काल है, पर वहां पर काल जो है वो स्वामी नहीं है। भगवान को अकाल पुरुष कहा जाता है, भगवान जो है वो कालातीत है। इसके बाद ब्रह्मा जी को भगवान ने शक्ति दी है जो इसमें सृष्टि कर रहे हैं, पर ब्रह्मा जी ये सृष्टि जो है वो अकेले नहीं कर सकते। भगवान की सहायता के बिना ये सृष्टि ब्रह्मा जी अकेले नहीं कर सकते, और वही भगवान ने बताया कि वो कृष्ण, भगवान कृष्ण के प्रतीक हैं, चतुर्मुखी ब्रह्मा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप म्यूट हो गए फिर प्रभु जी। नहीं आ रही रिएक्शन। फिर से अभी हमारा तो हो गया कंप्लीट। मृत्यु सर्वहरचाम उद्धव च भविष्यताम कीर्ति श्री वाक्य च नारी नारीनाम स्मृति में धर धृत्य क्षमा। अनुवाद, मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वाले को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति तथा क्षमा हूँ। इसमें कृपा जी प्रपट में बता रहे हैं, मनुष्य के जन्म और मृत्यु दोनों ही भगवान कृष्ण स्वयं है। जन्म और मृत्यु के बीच में छह अवस्थाएं होती हैं, जिसमें कि जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, फिर स्थिर रहते हैं, फिर प्रजनन करते हैं, वृद्धा होते हैं और मृत्यु हो जाती है। इसके बाद फिर इसमें सात ऐश्वर्य के बारे में वर्णन किया गया है कि सात ऐश्वर्य में से अगर किन्हीं के पास सातों ऐश्वर्य हो तो वो यशस्वी होते हैं, और उनमें से कोई भी एक ऐश्वर्य यदि उनके पास है तब भी उनका बहुत ख्याति होती है। लेकिन ये धर्म संगत, ये सातों ऐश्वर्य जो है ये धर्म संगत होना चाहिए। जैसे कीर्ति फेमस है लेकिन कुछ अच्छे कर्मों के लिए और कुछ बुरे कर्मों के लिए, फेमस तो दोनों होते हैं लेकिन वो धर्म संगत होना चाहिए। पैसा श्री वेल्थ, धनवान तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन जो धर्म के कार्यों में, अच्छे कार्यों में लगाए उनका श्री उपयोग है, और अन्यथा जो गलत काम में लगाते हैं उनका वो श्री नहीं है। उसी तरह वाक स्मृति मेधा धृति क्षमा, तो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल, इस्कॉन सातों ऐश्वर्य को परिपूर्ण करता है, परफेक्ट एग्जाम्पल है। हम लोग कह सकते हैं कि सातों ऐश्वर्य इस्कॉन संस्था में पाए जाते हैं। जैसे कि क्षमा का एग्जाम्पल लेते हैं तो हमारे गुरु महाराज, हम लोग जो सोच भी नहीं सकते कि ये क्षमा कर पाएंगे लेकिन गुरु महाराज जी क्षमा कर देते हैं। धृति स्थित प्रज्ञा, ठंड हो गर्म हो कोई भी मौसम हो, 4:10 की मंगल आरती, वृंदावन मायापुर स्थित प्रज्ञा है, वो हमेशा जाते ही है। इंटेलिजेंसी एग्जाम्पल, सर पर प्रभु जी अमोघलीला प्रभु, ये लोग जैसे एग्जाम्पल, कोई भी कैसा भी प्रश्न प्रेजेंट टाइम में पूछा जाता है आंसर कर देते हैं। श्लोका रिसाइट स्मृति, श्लोका प्रभु जी लोग को बहुत सारे याद हैं, और वाक्य कल्चर मतलब जो भी इस्कॉन के डिवोटी हुए कम से कम बोलना तो सीख ही जाते हैं, और इस्कॉन को धन के लिए सभी लोग जानते हैं कि हाँ इस्कॉन एक रिच सोसाइटी है। तो सातवें ऐश्वर्य का परफेक्ट एग्जाम्पल इस्कॉन है। इसमें प्रिंसिपल ये है कि मनुष्य की जन्म और मृत्यु निश्चित है, और पर्सनल एप्लीकेशन धृता और वाक्य में स्थिरता लाने का प्रयास। हरे कृष्ण। माधवी माता जी हैं, ऑनलाइन तो नहीं है प्रभु जी। पढ़ो श्लोक संख्या 35। वृत्त साम तथा साम्रम गायत्री छंद साम अहम मासा नाम मार्ग शीर्ष अहम ऋतु नाम कुसुम आकार। अनुवाद, मैं साम वेद के गीतों में वृहत साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्ग शीर्ष अघन तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाला बसंत ऋतु हूँ। तात्पर्य, जैसा कि भगवान स्वयं बता चुके हैं वो समस्त वेदों में सामवेद है। सामवेद विभिन्न देवताओं द्वारा
गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है। इन गीतों में से एक वृहत साम है जिसकी ध्वनि सुमधुर है और जो अर्धरात्रि में गाया जाता है। संस्कृत में काव्य के निश्चित विधान है, इसमें लय तथा ताल बहुत सी आधुनिक कविता की तरह मनमाने नहीं होते। ऐसे नियमित काव्य में गायत्री मंत्र, जिसका जप केवल सुपात्र ब्राह्मणों द्वारा ही होता है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। गायत्री मंत्र का उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी हुआ है, क्योंकि गायत्री मंत्र विशेषतः ईश्वर साक्षात्कार के ही निमित्त है, इसलिए यह परमेश्वर का स्वरूप है। यह मंत्र अध्यात्म उन्नत लोगों के लिए है। जब इसका जप करने में उन्हें सफलता मिल जाती है तो वे भगवान के दिव्य धाम में प्रविष्ट होते हैं। गायत्री मंत्र के जप के लिए मनुष्य के लिए पहले सिद्धि पुरुष के गुण या भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार सात्विक गुण प्राप्त करने होते हैं। वैदिक सभ्यता में गायत्री मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसे ब्रह्म का नाद अवतार माना जाता है। ब्रह्मा इसके गुरु हैं और शिष्ट परंपरा द्वारा यह उनसे आगे बढ़ता रहता है। मासों में अघन मार्गशीर्ष मास सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि भारत में इस मास में खेतों से अन्न एकत्र किया जाता है और लोग अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। निसंदेह वसंत ऐसा ऋतु है जिसका विश्व भर में सम्मान होता है, क्योंकि यह न तो बहुत गर्म रहती है न सर्द। इसमें वृक्षों में फूल आते हैं। वसंत में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित अनेक उत्सव भी मनाए जाते हैं, अतः इसे समस्त ऋतुओं में से सर्वाधिक उल्लासपूर्ण माना जाता है और यह भगवान कृष्ण की प्रतिनिधि है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अगला श्लोक किसका है? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। दूतम चलया चलयाताम असी तेजा तेजसी वाम अहम जयः असीम व्यवसाया असीम सत्वम सत्ववताम अहम। शिला प्रपाद के द्वारा, शिला प्रपाद की जय। मैं छलियों में जुआ हूँ, तेजस्वियों में तेज हूँ, मैं विजय में विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। इसमें इसमें प्रभुपाद जी के द्वारा इसमें ये कहा गया है कि ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के जो छलिये हैं, छल कपट हैं, दूध कीड़ा है। दूध दूध कीड़ा में ऐसे इस प्रकार है कि जैसे कोई जुआ खेलता है, तो उसमें हमें मतलब भगवान ने ये कहा है कि अगर गलत काम करने के लिए उसका तो नतीजा भी गलत ही होता है। तो उसमें हमें गला श्री कृष्ण इसमें सामान्य पुरुष की अपेक्षा अधिक कपटी छल करने वाले हो सकते हैं। यदि कृष्ण किसी से छल करने की सोच लेते हैं तो उसमें उनसे पार नहीं पा जाता है। इसमें भगवान ने ये कहा है कि अगर वो कोई भी किसी से अगर छल करता है, अगर भगवान सोच लेते हैं कि उसके साथ गलत करना है तो वो करते ही हैं। इसमें एकांगी होकर स्वर्गांगी है। वे विजय में पुरुषों की विजय है, तेजस्वियों के तेज हैं, साहसी तथा कर्मांडों में वे सर्वासी सहायक हैं। तो वो जैसे उनका तेज है तो वो तेज में वो बहुत बलशाली भी हैं। जैसे उन्होंने 5 वर्ष की आयु में ही गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, और तो उन्होंने ना तो छल में हरा सकता है उनको और ना ही कोई तेज में, ना ही कोई विजय और साहस बल में उनको हरा सकता है। तो इसमें मेरी ये पर्सनल क्वेश्चन है कि मैं शिला प्रपाद और गुरु महाराज की शिक्षा से दिए हुए मैं ये कहती हूँ कि भी उनके 4 नियमों का पालन करना और गलत गलत काम के लिए, गलत चीज के लिए कभी भी हाथ पैर नहीं मारना है। तो इसलिए यही मेरा रहेगा कि मैं भगवान जो भी करूँ उसको गुरु महाराज की कृपा से अच्छे तरीके से करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थर्टी टू से स्टार्ट करना मुझे। हाँ, स्वर्गाणाम आदि अंत अंत मध्यम चैव
हम अर्जुना अध्यात्म विद्या विद्यानाम वाद प्रवदताम। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि सृष्टि का आदि मध्य और अंत में हूं। तो डेफिनेटली कई बार लोगों को लगता है सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी तो विसर्ग से स्टार्ट करते हैं, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कौन की है। और ये भी बताया जाता है जिसकी उत्पत्ति कोई नहीं है वो भगवान है ना, भगवान तो उसी को होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी कैसे हो सकते हैं कि ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, वो तो देखा जाए तो बहुत बाद में। शास्त्रों के अनुसार पहला जो स्पिरिचुअल एक्सपेंशन होता है उसको सृष्टि स्पिरिचुअल सृष्टि में नहीं गिना जाता है, मतलब सृष्टि में नहीं गिना जाता है, स्पिरिचुअल सृष्टि वो है बलराम जी। और बलराम जी से चार चतुर्व्यूह निकलते हैं, है ना। तो कौन कौन है? शंकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव, वासुदेव कृष्ण ये निकलते हैं। फिर नारायण निकलते हैं। ठीक है, चार्ट बना दो यहाँ पर, चार्ट से समझ में आए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखिए सुनाई देता है जो ये थोड़ा कैच करेगा, थोड़ा उनको भी सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, कुछ कुछ तो आ गए। ज्यादा अच्छा सुनाई देगा ना फिर आना बंद कर देंगे लोग धीरे धीरे, कम सुनाई देना चाहिए आपने। तो कृष्ण कृष्ण के फर्स्ट एक्सपेंशन जो है वो अच्छा देखेंगे। ये बलदेव था, यहाँ पर है लादिनी, इससे बलदेव तत्व से वो निकलते हैं वासुदेव, जिसको कभी कभी इनको बोलते हैं संजीवनी शक्ति, इसको बोलते हैं सामवेद शक्ति, इसको लादनी शक्ति। ठीक है, निराधार दिख रहा है ना थोड़ा थोड़ा, आप लोग का पास आना चाहते, पास आना चाहते। तो ये ना सृष्टि कर, इनका काम क्या है? सृष्टि करना है। ठीक, इनका काम क्या है? अवतार। इनका काम क्या है? आनंद। भगवान की अनेक शक्तियां हैं, मिलियन ट्रिलियन कोई सीमा नहीं, उसमें तो 16 है, 16 16 शक्तियों में से 3 प्रमुख है, तो तीनों ही है। ठीक है, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी सिर्फ 16 इंपॉर्टेंट है, उसमें तीनों की पे चर्चा हो रहा है। तो ये अवतार शक्ति जो है वो एक्सपेंशन करती है तो फर्स्ट क्वाड्रपल बनाते हैं। तो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। ठीक है, फिर इससे इस संकर्षण से, इसको मूल संकर्षण कह दूं, इन संकर्षण से आदि नारायण निकलते हैं।
कुछ भी मत लिखो, देखो तो मैं कुछ मिटा दूंगा, थोड़ा भी बाबू मिटा नहीं पाओगे, ठीक है। आदि नारायण से फिर एक क्वाड्रपल निकलते हैं, सेम चीज होंगे, वासुदेव, अनिरुद्ध, अर्जुन, पंच में आते हैं आदि, आदि संघर्ष, ठीक है। ओके फर्स्ट हो गया क्वेश्चन, बाद में इससे निकलते हैं महाविष्णु, इससे निकलते हैं गर्भोदक, गर्भोदक ठीक, इससे निकलते हैं ब्रह्मा जी, यहां तक जो सृष्टि हो रही है, यहां तक जो सृष्टि हुई ना नीचे तक महाविष्णु तक, ये तो गिनते ही नहीं है सृष्टि में, पूरा सृष्टि हो रहा गिन रहे। जब महाविष्णु से गर्भोदक विष्णु आते हैं ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड से ब्रह्मा आते हैं, इतने प्रोसेस को सर्ग कहते हैं, सर्ग नारायण, क्या कहते हैं ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्मांड उत्पत्ति, पहले पदार्थ बनाएंगे, पदार्थ में डालेंगे अपनी काल शक्ति, के भागवत को सेकंड कैंटम लिया है, काल शक्ति के साथ डालेंगे, दृष्टिपात करेंगे, महत्तत्व होगा, दृष्टि पड़ेगी, ब्रह्मांड ब्रह्मांड निकलेंगे, लेकिन ब्रह्मांड में फिर अपना दृष्टिपात करके गर्भस्थ करेंगे, गर्भोदक्षा विष्णु के साथ में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, उनके नाभि से कमल निकलेगा, कमल से ब्रह्मा, इतने को सर्ग सर्ग कहते हैं, इसके बाद जो ब्रह्मा जी करते हैं, आदि आदि निकालते हैं शरीर से बहुत सारे देवी देवता पेड़ पौधे जो भी है उसको विसर्ग, तो भगवान आदि हुए ना, ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा एक और चीज बता देता हूँ, ये पहला ये है दोनों कुछ को बोलते हैं स्वयं अवतार, ये सब स्वयं अवतार, ये सब ठीक है, स्वयं अवतार, और इनके जो एक्सपेंशन है, पहले अवतार को स्वयं अवतार कहते हैं, उसके अवतार को अंश कहते हैं, ये अंश है ठीक, और ये अंश को क्या बोलते हैं, कला, इति चांश कला पुंसम भगवान स्वयं, इति च अंश कला, यानी अंश कला, इस सब को मिलाकर कृष्ण तो भगवान, कृष्ण ओनली भगवान, और भी भगवान नहीं, बाकी सब क्या है, अंश या कला ठीक। अभी तुम ब्रह्मांड तक नहीं पहुंचे, ब्रह्मा तक नहीं पहुंचे ठीक है, हाँ समित शक्ति, अवतार शक्ति, मैं उसको समझाऊंगा, मैंने भी शक्तियों का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। ये संजनी शक्ति सृष्टि करती है, ये सारा एक्सपेंशन करती है ना, यानी यहाँ पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो प्लैनेट्स हैं, वहां पर पेड़ पौधे पैराफिलिया, अलग अलग जीवों को, किसी को बॉडी देना है, जैसे हम यहाँ जाएंगे तो हमें इनकोर बनना है, 1200 रुपये से हमें स्पिरिचुअल बॉडी मिलेगी, वो सब जो है वो काम, ये शक्ति का काम ठीक। अब राजा ड्रेस अपना नहीं पहनता, राजा कौन पहनाता है, ऐसे करता है, दासियां पहनाती हैं, दास पहनाता है, ऐसे भगवान जब यहाँ पर आएंगे तो उनको मान लीजिए अवतार वासुदेव बनना है, अनिरुद्ध बनना है, आदि नारायण बनना है, महाविष्णु बनना है, गर्भोदक विष्णु, वरा नरसिंह बनना है, कौन उनको ड्रेस बनाएगा, वो ड्रेस है ना, वैसे जैसे आप यहाँ पर आए थे वेश में भूषा है, छोटे समय अलग भूषा है, अब तो सुबह अगर वो वॉक पर जाते हो अलग पहनते हो, किचन में अलग है, ऑल्टर में जाते हो अलग साड़ियाँ होगी, कपड़े होंगे है ना, और ऑफिस का भी अलग गेटअप होता है आपका, तो वो आप पहनते हैं अलग अलग रूप है, एक ही व्यक्ति है,
इसी भगवान जब कृष्ण जब आते हैं अलग अलग रूप में, तो अपने ऐसे ऐसे ड्रेसिंग करने के लिए ये अवतार अवतार शक्ति है, ये सब काम है भगवान का अवतार लेने में सहायता। ठीक है, इसलिए भगवान जब इस संसार में आते हैं तो पहला ड्रेस कौन सा पहनते हैं? शिरोदक्षा विष्णु। जैसे आप यहाँ गेट यही आने का राइट, आप ईसा हो गए, आपका घर है फिर भी ईसा हो, अभी बोलो कि नहीं नहीं हमारा घर हम वो तोड़ के आएंगे पिछले 20 से। ऐसे भगवान जब संसार में आते हैं शिरो दीक्षा विष्णु के माध्यम से आते, ताकि लोगों को पता चले कि मैक्सिमम इस ब्रह्मांड में रहने वाले कोई भगवान को देखते हैं तो उसको देखते हैं शिरो दीक्षा विष्णु। ब्रह्मा जी लेके जाते ना सागर के तट पर, उससे ज्यादा देखा नहीं है। अब भगवान जब आएंगे सीधा कृष्ण में, ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए, देवता कंफ्यूज हो गए, तो उसके सबसे पहले किस रूप का प्रदर्शन दिखाते हैं? तो क्या दिख रहा है? चतुर्भुज। इवन आपने देखा होगा लिटिल कृष्ण वगैरह में राक्षस लोग कृष्ण को कृष्ण भगवान नहीं मानते, जब उसके मारने के पहले क्या दिखाते हैं? मुकुट मुकुट लगा रहते, दिखाते हैं कि मैं भगवान हूँ, उतर जाता भाई तो भगवान है। तो आम जनता सामान्य लोग जो लवर्स नहीं है भगवान के प्रेमी नहीं है, उनको दिखाने के लिए भगवान ये रूप धारण करते हैं शिरोदक्षा। जैसे यशोदा मैया को, सॉरी देवकी को पता नहीं चला था उनके भगवान वही है, तो भगवान ने क्या रूप दिखाया? चतुर्भुज बच्चे से। क्यों दिखाया? उनकी पूजा की, कृष्ण की पूजा नहीं, तो वासुदेव कृष्ण प्रकट हुए थे वहां। अब देखिए यही अब इसके पैरेलल देखते हैं, यहाँ आदि नारायण के सामने आदि लक्ष्मी, ये आदि लक्ष्मी ही असंख्य ब्रह्मांड में लक्ष्मी बनती है, और ये आदि लक्ष्मी ही असंख्य ब्रह्मांड में नारायण बनती है। तो बहुत सारे ऐसे एक लोक होगा, तो ये नारायण जो है वो नरसिंह भगवान बनेंगे, ये लक्ष्मी जी क्या बनेंगी? लक्ष्मी बनेंगी। तो मूल जितने भी नारायण के अवतार नारायण के लोक है ना, उसमें ये एक्सपेंड करते हैं और वहां पर लक्ष्मी ये एक्सपेंड। ठीक, इनका है। फिर इनके बीच में मैं अभी लोको का वर्णन नहीं किया, लोको का वर्णन करेंगे तो ये लोग हो गया गोलोक। ठीक, इसके नीचे आएंगे तो मथुरा, मथुरा के नीचे द्वारका, द्वारका के नीचे जगन्नाथपुरी भी लगता है, फिर साकेत, साकेत के नीचे ये वैकुंठ, वैकुंठ के नीचे यहाँ पर शिवलोक, फिर ये देवी धाम, देवी धाम बोलते हैं ना, बहुत ही शानदार होते हैं। देखना वो कैसे करेंगे, राधा रानी के इस एक्सपेंशन के होते हैं। राधा रानी यहाँ पर है गोलोक में, मथुरा में महिष्या बनती है जो वहां की रानी है पटरानी, वो द्वारका में रुक्मिणी या सत्यभामा या जितनी भी रानी पटरानी है, जगन्नाथपुरी में जगह मिल रहा, साकेत में सीता जी, यहाँ पर आदिलक्ष्मी बन चुकी है। ठीक है, शिवलोक में पार्वती, यहाँ पर क्या बनते हैं? यहाँ क्या बनते हैं? जड़ानंद, 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 जड़ानंद ना, गुलाब जामुन में रसगुल्ला भूल गए? जड़ानंद जगन्नाथपुरी में भी थोड़ा अलग फिलोसफी बात बताऊं, जैसे जड़ वस्तु में थोड़ा आनंद मिलता है ना, यहाँ क्या थी वो लादे शक्ति आनंद काम करती है, तो हर जगह में वो सारे विष्णु अवतारों को उनकी अर्धांगिनी बनकर आनंद प्रदान करते।
सीता जी के रूप में, लक्ष्मी जी के रूप में। तो यहाँ भौतिक संसार में भगवान सृष्टि में विद्यमान है चारों तरफ। तो यहाँ पर भक्तों को, यहाँ भी है बीच में एक और लोक है, पता ना बीच में कौन सा लोक है? एक लोक है आप जहां बिल्कुल जाना नहीं चाहते, जानते हो? नहीं, ब्रह्म ज्योति जाना चाहते हो? नहीं, जैसे कोई भेज रहा है। ब्रह्म ज्योति में ब्रह्मानंद के रूप में, वही आनंद जो है अलग अलग फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, होपफुली बिल्कुल समझ नहीं आया होगा। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। ठीक है, वैसे गोलोक चाट है आपके पास? गोलोक चाट ही है वैसे। फिर से समझा देता हूँ, आप थोड़ा अब आप नोट्स भी साथ में बना सकते हैं अपना और समझ। ठीक है, कृष्ण है, कृष्ण की इनफिनिटी शक्तियां हैं, उसमें 60 प्रमुख है। भक्ति रसावन सुंदर किसके पास है? जीव रूप गोस्वामी की लिखी हुई है, उसके अंदर पहले 11 श्लोकों में इसका वर्णन किया गया। आदि भूल नील शक्तियों में, 16 शक्तियों के बारे में लिखा है। उस 16 में से ये संधिनी संवेद अल्लादिनी शक्ति, ये बात पढ़ती है। एक लेकिन अगर मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ और आपको समझ में आ जाएगा, बलराम या बलदेव पर इनसे ये निकलते हैं। ठीक है, अब क्लियर हो जाएगा। तो कृष्ण से बलराम जी निकले, ठीक है, बलराम जी से संधिनी शक्ति और संवित शक्ति, और कृष्ण से एक और शक्ति अल्लादिनी, उनका बलराम से रिलेशन नहीं, डायरेक्ट नहीं। तो संधिनी शक्ति का काम है सृष्टि करना, संवित शक्ति का काम है अवतार। हाँ, ये सब यहाँ से पूरा स्पिरिचुअल है, ये ब्लू लाइन। ठीक है, ब्लू लाइन से सारे ऊपर वाली क्या है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ओके, अब इसमें जो पहला एक्सपेंशन होता है बलराम जी से, ये फर्स्ट क्वाड्रपल होता है। वासुदेव, शंकरशन, अद्युम्न, अनिरुद्ध। मूल शंकरशन बोला था, मूल आदि सभी ज्यादा, यानी संघर्ष पहला है, मूल बोला जाता है। और नित्यानंद प्रभु तो दो प्रदूषण है, नित्यानंद प्रभु से बलराम जी आते, हाँ। श्रीवास पंडित जो है नारद मुनि का अवतार नहीं है, नारद मुनि श्रीवास पंडित को नारद मुनि बन गया। इसलिए मैं ना, इसलिए मैं सब चीजें ओपन नहीं कर रहा हूँ, जगह जगह ना फिर बहुत क्या पूरा अलग कॉन्सेप्ट होता है, डिफरेंट है, नहीं तो फिर वो गलत ट्रैक में चल रहा हो, है ना? अभी इस समय कर लीजिए, फिर वो बताऊंगा मैं पता क्यों 10-15 पर्व मैं जीता रहूंगा। वासुदेव, शंकरसेन, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये क्या है? स्वयं अवतार है, ये भी स्वयं अवतार, स्वयं अवतार, स्वयं अवतार है, पर ये अंश है कि किसके अंश है? मूल शंकरसन के आदि नारायण निकलते हैं, मूल शंकरसन से आदि नारायण। फिर जो सेकंड क्वाड्रपल होता है, अब ना ये क्योंकि प्लेटफॉर्म 2D फॉर्म में है, समझ नहीं आता। जैसे मैं वासुदेव, ये उससे एक्सपेंशन होगा तो दो ऐसे उभर, ये दो, ठीक है, और एक से ये वाले से ये निकले, पर एक से ये निकले, एक से ये निकले। ठीक है, क्लियर है? दो फॉर्म हो गया, मैं दो बना नहीं सकता, यहाँ पर बड़ा दिक्कत हो। ये वासुदेव जो है संवित शक्ति से दो क्वाड्रपल निकले, एक चार एक चार, एक चार ये हो गया लाल वाला, एक चार, इस चार से मूल संक्रमण से आदि नारायण, इस चार चार संक्रमण से महाविष्णु। क्लियर है? चाहे तो वैसा बना सकता था पर ये सब नहीं आ पाता सारी बात। मूल से किनारे और आदि संकर्षण से आप, ठीक क्यों? है? नहीं, वही सब है,
अनुरुद्ध वासुदेव वही बल्कि आदि यहाँ पर सिर्फ संकर्षण के लिए लिखा है ताकि डिफरेंशिएट कर सके। आदि महाराज नीचे डाउन एरो कर दिया था, पता है जैसे वो सेकंड वाला और नॉन वाला हो, ये वाला ठीक है, ओके क्लियर। अब इस संकर्षण से महाविष्णु, महाविष्णु से गर्भाध्यक्ष विष्णु, गर्भाध्यक्ष विष्णु से ब्रह्मा जी उत्पन्न, शिवाध्यक्ष विष्णु तो है ही परमात्मा, मैं सारे के लिए बता रहा हूँ। तो महाविष्णु ने जब सृष्टि की ब्रह्मांड बनाया, ब्रह्मांड में गर्भोदक्ष विष्णु भेजे, गर्भोदक्ष विष्णु से ब्रह्मा जी निकले, इतना जो सृष्टि है तो सर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्ग। ब्रह्मा जी जो भक्त जी जो आगे करेंगे जो संवार साथ जो किया उन्होंने, तो क्या कहते हैं? क्लियर है यहाँ तक? आप यहाँ पर देखा गोलोक के नीचे मथुरा, मथुरा के नीचे द्वारका, द्वारका के नीचे जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी के नीचे साकेत, साकेत के नीचे वैकुंठ, और इस वैकुंठ में जो नारायण और आदि लक्ष्मी आदि नारायण है, ये छोटे 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 नहीं बहन, बहुत बड़े बड़े पर डिफरेंट वैकुंठास जो बनते हैं उसमें जो लक्ष्मी नारायण है वो इनके एक्सपेंशन। ठीक है, क्लियर है? नींद तो नहीं आ रही? चलो क्योंकि हमारी यार बात खराब हो गए। हाँ सृष्टि की बात करते हैं और भाषा के भाषा के वैकुंठ तो सृष्टि ब्रह्म की बात करते हैं हाँ कि वो निकल जाते हैं, पर अभी कह रहे हैं कि इसकी जगह माता के गर्भ से जब बच्चे का जन्म होता है तो नाक मुंह हाथ कान सब एक साथ मिलते हैं, फिर भी हम लोग बोलते हैं हाथ शरीर का अंग, बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते? अगर ये शरीर का अंग है तो उसका साथ में कैसे पैदा होगा? सुबह में पैदा होना है, बोलते हैं हाथ शरीर का अंग है, अंग तो बात पार्ट एंड पार्सल है, तो शास्त्र कैसे हुआ? बोले दोनों एक साथ ही पैदा हुआ, तो दोनों एक साथ ही थे, पर ये ऐसे ही इसके बाद का सीन दिखता है समझने के लिए, एक साथ ही जैसे हाथ शरीर का भाग बना गया है लेकिन पैदा एक साथ ही, आत्मा पार्ट पार्सल है कृष्ण का, लेकिन आत्मा भी शास्त्र वैसे नाम भी शास्त्र, तो पोजीशन ही है, पोजीशन बेसिकली बताया ऊपर रेंज के पोजीशन। नीचे भी बैकग्राउंड क्या है, मतलब पे वहां भी बैकग्राउंड गर्भोदक्ष विष्णु का वैकुंठ अलग है, इधर इधर ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड, पर ये गर्भोदक्ष अभिषेक ब्रह्मांड में अपने ही शरीर के पसीने से श्वेत सागर में लेकर रहते हैं, तो गर्भ सागर भी। बैकग्राउंड की दो है, एक फिल्टर पर यहां भी एक हाँ बैकग्राउंड वो गर्भ और शिरोदक्ष विष्णु है शिरोदक्ष हर ब्रह्मांड में, हर ब्रह्मांड में वो अलग चीज, जैसे आप देखते हैं कि देवी चतुर्भुज रूप में पहले दर्शन दिया उन्होंने उस रूप में, तो दैट टाइम अवेयरनेस नहीं थी, इतना ज्ञान नहीं था कि कृष्णा आदि भगवान है सर, उस टाइम में ऐसा नहीं। एक्चुअली क्या होता है, जैसे जो डिवोटी जिस फॉर्म की पूजा करता है ना उसी को सुप्रीम मान लो, आप कितना भी जैसे वो कुत्ता आता है ना मुरारी को पता, चैतन्य महाप्रभु को भगवान समझते हैं, नॉलेज में भी है, डिस्टर्ब हो जाते हैं, राम हरे कृष्ण मंत्र नहीं जपते, राम राम नाम क्योंकि हनुमान जी करता है, तो स्वरूप जैसा स्वभाव होता है ना, जैसे देवी की का स्वभाव है जन्म जन्मांतर से वो उसी रूप का पूजा करती है, तो इसलिए भगवान वासुदेव कृष्ण उनके घर प्रकट होते हैं और किस फॉर्म में दिखाते हैं मैं वही हूँ, तब उनको इंट्रोडक्शन होगा तब प्रेम, श्री कृष्ण वासुदेव कृष्ण रूप, तो वो ओरिजिनल कृष्ण भी नहीं है, वो भी अलग है, गोपाल कृष्ण की तरह अलग था, यशोदा मैया ने गर्भ से जन्म लिया ओरिजिनल कृष्ण, राधे राधे वो अलग। एक तो ये देवकी मैया के उससे हो गया उनके तरीके से कि उन्होंने वासुदेव के चतुर्भुज रूप में नारायण के रूप में पूजा की थी जन्मांतर से, तो बट और लोगों के कंटेक्स में अगर समझा जाए तो क्या किसी को जैसे हम ये सारी चीजें भागवत के हिसाब से सुन रहे हैं तो उस वक्त में उस समय में किसी को भी ये नॉलेज नहीं थी कि कृष्ण आदि स्वरूप में भगवान थे? नहीं होता, बहुत लोगों को होता
ऐसा नहीं, वहाँ के ऋषि वेद व्यास जी है, वेद व्यास जी है, सुतुभ स्वामी है, बड़े बड़े आचार्य, वो सब लोग पता है कौन। अभी हम लोग को देखो ना, अभी अभी हमारे कितने हैं घरों घरों में, बोल सब नारायण भगवान की जय कर रहे हैं, उनको उतना ही पता सतनारायण भगवान कुछ नहीं है। देखो कितना उन्नति हुई नीचे जाते, उनको पता ही नहीं, वो खाटू श्याम के बीच पालन बहुत ज्यादा हो गया, बिजनेस 1 ईयर 2 ईयर में बहुत ज्यादा नहीं मान, वो तो ऐसा होगा। ऐसे उस समय भी कंटेम्प्रेरी में बहुत लोग नास्तिक होंगे, बहुत लोग सिर्फ चतुर्विश विष्णु को मानते होंगे, कोई लोग गर्भोदक्ष विष्णु को मानते होंगे, कोई आदि नारायण लक्ष्मी नारायण की पूजा करते होंगे, जैसे स्वयं यशोदा मैया किसकी पूजा करते हैं, महाराज की पूजा करते हैं। और इनके घर में क्या नाम है, निमाई के घर में तकरीबन जगन्नाथ मिश्र, वो पूजा करते थे विष्णु की, इनके घर में शिवदक्षा विष्णु पूरे विग्रह अभी भी मिलता है मायापुर में, योगपीठ छोटे से विग्रह। ये भी एविडेंस है, जब खुदाई कहीं करी गई थी ना योगपीठ के बनाने के लिए, तो विग्रह प्राप्त हुआ था, मतलब वहां पर वो कालांतर में लुप्त हो गया था नदी उदी में, जब जगन्नाथ मिश्र चले गए तो बेड रिवर बेड चेंज करते हैं ना, तो उसके अंदर रह गया, खुदाई में मिला, और वो शास्त्र में लिखा भी है कि वो पूजा करते थे जगन्नाथ मिश्र, समझे कंटेम्प्रेरी मुरारी गुप्त की डायरीज में मिल रहा है। तो विग्रह भी मिल गया उसी जगह, मतलब ये युग भी यही है, तो जाओगे तो छोटे से विग्रह है, छोटे बहुत पास से देखा होगा, तो उसकी पूजा करते, तो वो तो कॉन्सेप्ट कुछ लोगों को डायरेक्ट क्लियर होता है, कुछ लोगों को नहीं क्लियर होता। इवन हमें से कभी किसी ने सुना होगा कि चेतन महाप्रभु कौन है, नित्यानंद प्रभु कौन है, तो कौन आगे सुने, ठीक है। और मैंने बताया था कि ये लोक हो गया, गोलोक, मथुरा, द्वारका, जगन्नाथपुरी, साकेत, वैकुंठ, शिवलोक जहाँ पर आदि शिव रहते हैं सदाशिव, और उसके बाद ये देवी धाम, इसके नीचे जो है जितना मटेरियल वर्ल्ड को देवी धाम कहते हैं। और जब राधा रानी एक्सपेंशन करती है अल्लाह मथुरा में महिषिया, उनकी जो जो भी स्त्रियां जो आकर्षित होती हैं वहां, राधा रानी वहां भी करती है गोलोक धाम में, किस रूप में, गोपियों के रूप में, असंख्य गोपियां हैं। फिर द्वारका में रुक्मिणी और सत्यभामा और 108 16 हजार 108 रानियों बनती हैं। साकेत में सीता जी बनती हैं, वैकुंठ में आदि लक्ष्मी, बाकी इसमें जितने भी वैकुंठ में लक्ष्मी, और शिवलोक में पार्वती, और ब्रह्म ज्योति में ब्रह्मानंद, क्योंकि आनंद देना ना, तो ब्रह्म में जो जाता है वो ब्रह्म का आनंद प्राप्त करता है। और जब भौतिक संसार में हमें आनंद मिल रहा है वो तो जड़ानंद, इवन भौतिक संसार में जो एंजॉय करना चाह रहे हैं हम लोग, जो प्लेजर मिल रहा है बिकॉज ऑफ राधा रानी, राधा रानी, हाँ अगर राधा रानी वो भी नहीं करे तो आप चैतन्य चरितम पढ़ोगे ना, आई थिंक थर्ड चैप्टर के बीच में दिया है, उसे बता रहे हैं कि राधा रानी स्पेशली स्पेंड करती यहाँ आती है, नॉट चैतन्य महाप्रभु वाला ऐसे ही वो आती है, सिर्फ उनका बिलाना है जीवात्मा उस विषय, उसके लिए वो यहाँ प्रकट होती है। कैसे प्रकट होती है, भक्ति के रूप में अवतार, भक्ति अवतार पर भक्ति देवी, वो बिला और कोई नहीं मिला सकता है, इसलिए कृष्ण भक्ति होए पूर्ण साधु सक, साधुओं का भक्ति है वो भक्ति देते हैं, तो भक्ति हृदय में भक्ति होती है तो दूसरे को बैठा के भक्ति देते, वो भक्ति रहेगी नहीं, एक्सिस्ट नहीं करेगी संसार में, हर कैसे जुड़ेगा कृष्ण, तो भी जुड़ने का नाम राधा रानी है, आदि लक्ष्मी भी कह रहे हैं। तुलसी देवी भक्ति देवी नहीं है, ठीक है। और क्या बच गया इसमें से, हो गया, हाँ ठीक है, होपफुली थोड़ा सा समझ में आएगा। प्रभु जी इसकी पिक्चर डलवा दीजिएगा ग्रुप पे। नारायण नारायण हाँ, नील, नील भूदेवी, भूदेवी और गोदा देवी, गोदा देवी, तो
श्री देवी को भी बोलते हैं गोदा देवी। तो ये होती वही वो 8 शक्तियां जो है ना प्रमुख, 16 शक्तियों में से वो शक्तियां भू नील आदि ऐसे उसमें लिखा है, तो याद नहीं आ रहा पूरा। हाँ चतुर्भुज वो शिरोदक्षा विष्णु के रूप में प्रकट हुए। हाँ ताकि वो दिखाना चाहते थे कि मैं भगवान हूं, डरने की जरूरत नहीं है, और उन्होंने उसी रूप की पूजा भी की थी। और वासुदेव कृष्ण स्वयं आते हैं क्योंकि कंस को मारना था, सब लोगों ने प्रार्थना भी की थी ना, भगवान एक साथ कई कार्य को करते हैं। तो ये तो हो गया सृष्टि वाला, एक लाइन हो गया महाराज। वो एक अलग टॉपिक है, पूरा लेक्चर उसमें करना पड़ेगा कैसे ये जितनी भी एक्सपेंशन कैसे होता, राधा रानी रुक्मिणी कैसे बनती है, सत्यभामा कैसे बनती है ना, और राधा रानी की महिषियां कैसे बनती है, उसी में उसी भाग में है कि कृष्ण कैसे मिलते हैं। एक्चुअली यशोदा जी के गर्भ से 2 लोग बच्चे जन्म लेते हैं, एक कृष्ण और एक योगमाया, और देवी के गर्भ से वासुदेव कृष्ण लिए थे। जब वासुदेव कृष्ण मर्ज हो जाते हैं, वासुदेव कृष्ण जो है जब मथुरा वापस जाते हैं अक्रूर जी लेकर ना, तो अक्रूर जी गेट पर ही जो पानी के अंदर प्रवेश करते हैं स्नान करने के लिए कृष्ण, तो वहीं से वो अक्रूर जी के साथ वासुदेव कृष्ण जाते हैं, कृष्ण यमुना नदी से वापस आ जाते हैं। वृंदावन पादम एकम नक्षति, वृंदावन से एक कदम बाहर नहीं जाते, पर किस रूप में रहते हैं अब वो एकदम सामने ही आ सकते, इसलिए वर्णन वो पूरा एक अलग एलाबोरेट टॉपिक है, वो याद दिलाना अलग से मैं कर सकता हूँ उसका एक्सप्लेनेशन, और कर देंगे। मोहन मुझे अक्सर करते हैं, उनके लेक्चर में मिलता है जब वो राधा रानी का अपीयरेंस डे हो ना, प्रभु जी का लेक्चर होता है, पूरा यही बात बताएंगे, इवन जन्माष्टमी में बताते हैं प्रभु जी। फिर समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रों में निर्णायक सत्य हूँ। तो अध्यात्म विद्या कई प्रकार की विद्याएं हैं, उसमें सबसे बड़ी विद्या क्या है, जैसे कई ग्रंथ हैं, 4 वेद, उनके 6 वेदांग, वेदांत सूत्र, तर्क ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, पुराण, 14 प्रकार के ग्रंथ हैं। इनमें से आध्यात्म विद्या संबंधी ग्रंथ, विशेष रूप से वेदांत सूत्र कृष्ण का स्वरूप, वेदांतों में भगवान की पुष्टि की गई है इसलिए वो प्रमुख 14 में से। और जहां पर ये बता रहे थे, मैं थोड़ा बता देता हूँ, जल्प क्या है, वितंड क्या है, वाद क्या है, ठीक है, इसमें जगह होगा। सब बता रहे क्या क्या है, वाद जल्प और वितंड, तो जल्प को बता रहा हूं पहले, ठीक है। जल बनता है 3 चीज से मिलकर, 3 फैक्टर से मिलकर बनता है। पहला है छल, इसको कभी कभी चल भी कहते हैं या छल भी कहते हैं, बस मैं समझा दूंगा, ठीक है। उसके बाद आता है जाति, तीसरा है निग्रह स्थान, ये मिलकर जल बनता है, जलपा। एक ये हो गया, दूसरा क्या था, वाद, तीसरा वितंड। ठीक है, जल्प वितंड वाद, और जल्प में छल जाति निग्रह स्थान। तो क्या होता है ये बताया तो, इसमें थोड़ा सा उन्होंने लिखा है लेकिन उसे समझाता हूँ। जब हम लोग किसी को हराना है, ये तर्क है, ये भी तर्क है, ये भी तर्क है, ये भी तर्क, तीनों तर्कों में भगवान बोले में वाद हो, एक क्या बोल रहे हैं, वाद है प्रबदंतम अहम, मैं वाद हूँ, ये दोनों नहीं हूँ, ये दोनों कुछ खराब है। खराब क्या बता रहे हैं,
कहते हैं कि जो किसी ओपोनेंट को हराते हैं, तर्क से हराने के समय दौरान हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा छल करते हैं, मतलब उसको धोखा देते हैं, सच बात डिस्कस नहीं करते हैं। कभी कभी घरों में लड़ाई होती है, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होते होते बोले ऐसे समझती नहीं, उंगली किसको दिखा रहे, उंगली उंगली पे लड़ाई हो जाती है, इसको बोलते छल, आर्गुमेंट में छल डाल रहे हैं। वो भी लेकिन नहीं, मैं ऐसे इशारा करता नहीं, तुम मुझे उंगली दिखाई दे, वो टॉपिक हट गया ना, चलना दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट विद छल। ठीक है, सर्कमवेंशन, सर्कमवेंशन और फॉल्स जनरलाइजेशन, जाति, मतलब कुछ ऐसी चीजें जनरेट कर दी आर्गुमेंट में जिस पर जिसको मुझे भी ज्ञान है, आपको भी ज्ञान है, पर आपको पता नहीं, तो मैं ऐसी बातें बोलूंगा। कुछ जैसे डॉक्टर्स साइंटिस्ट इनका काम होता है, तो ऐसे वर्ड डाले यहाँ पे, पता नहीं होगा वर्ड सुनते स्टूडेंट को, नहीं होगा कुछ भाई, समझ रहे, ऐसे वर्ड डाल देंगे, बोले आपको समझ नहीं आया, आपके नोज में सिंगम फल या कुछ नाम बता देंगे, क्या खतरनाक बीमारी हो, तो ऐसा जनरेट करेंगे कुछ जो आपको पता नहीं, ये भी प्रकार का धोखा है। तीसरा क्या, निग्रह स्थान। हाँ, निग्रह स्थान बताते हैं कि जैसे ऐसे कुछ लॉजिक्स डेवलप कर जो कि आप उनसे जवाब न दे, ये तीनों चीजें हराने के लिए, तीनों हराने के लिए, पर ये इसमें क्या है, धोखा है, इसलिए इसको जल्द कहते हैं, फालतू प्रजल्द कहते हैं ना, फालतू की चीजें धोखा देकर कुछ ऐसा चीज बोल दिया जो समझ में नहीं आए। तीसरा ऐसा चीजें क्रिएट कर दिया, आप उसको घूम जाओ, घुमा देते ना कई बार, ऐसे घुमा देते हैं तो निग्रह स्थान के। वितंड क्या है, वितंड का मतलब है अपने ओपिनियन ओपिनियन को डाले बिना, अपना ओपिनियन बिल्कुल डाला नहीं और उसको स्टैब्लिश करने जा रहे हैं विदाउट हेडिंग, अपने ओपिनियन को ऐड किए बिना, क्योंकि देखो कोई भी तर्क का आधार क्या होता है, मैंने शास्त्र बताया, सत्य बताया, और अपना ओपिनियन भी दे रहा हूँ, तब वो तर्क माना जाएगा, तो मेरी बात बोल दो तर्क क्या है, मैंने किताब से पढ़ के तो ना, अपनी किताब से पढ़ के वो तर्क नहीं माना, जब मैं अपनी किताब से पढ़ के बताऊँ और उसी को प्रूफ करने के लिए तर्क दूँ, तब वो तर्क माना जाता है। इसमें क्या करते हैं, वो इधर उधर की चीजें मत बता, दर मतलब शास्त्र से नहीं बताएगा, कहीं और से बताएगा, और अपना ओपिनियन तो वितंड कहते हैं, ये भी इतना स्ट्रांग नहीं रहता और इसका ये बदलता रहता है, ये व्यक्ति बदलता रहेगा। वाद क्या है, वाद के लिए बता रहे हैं भगवान, यहाँ बोलते हैं वो सिर्फ क्या है, सत्य की स्थापना के लिए आप जितने भी तर्क देते, जैसे कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, आप शास्त्र पे दे रहे हो, पूर्ववर्ती आचार्य को दे रहे हो, पुराणों का तर्क दे रहे हो, अपनी बात बता रहे हो, उस वाद को, उस तर्क को वाद कहा जाता है। भगवान बोलते हैं समस्त तर्कों में क्या हूँ, वाद हूँ जो ट्रुथ को स्टैब्लिश करने की गलत, ठीक है, जैसे मायावाद है, मायावाद का जो, हालांकि मायावाद विकृत है, ब्रह्मवाद इज गुड, ब्रह्मवाद में क्या स्टैब्लिश कर रहे हैं कि एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है, ब्रह्म है, वो भी भगवान को ही प्रूव कर रहे हैं, परमात्मावाद है, परमात्मा को प्रूव कर रहे हैं, राइट। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो ये सब वाद का मतलब जो एब्सोल्यूट ट्रुथ को प्रूफ करने के लिए बोला जाएगा, वो तर्क सही है, उस तर्क में मैं बोल रहे हैं कि मैं वो तर्क हूं इन सभी तर्कों में। ओन 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 अपना, हाँ जैसे लिख रहे हैं ये हराने के लिए, विदाउट सिर्फ हराना है, कोई स्टैब्लिश नहीं करना चीज को, मैं नहीं मानता तुम्हारी बात को, ऐसा कई लोग करते हैं ना, हम नहीं मानते, मैं क्यों मानूं तुम्हारी बात, ऐसे जब बातों को बोलते हैं कुछ अपना ओपिनियन दो भाई, हम तब मानेंगे ना, अब डिस्कस करना तो डिस्कस करो, मैं नहीं मानता आपकी बात, आप झूठ बोल रहे हो, आप कोर्ट में ऐसा नहीं कर सकते, आपको कुछ एविडेंस देना पड़ेगा, ठीक है। ओके, समय हो गया है, अगली बार ये डिस्कस करेंगे, बाकी इसमें क्वेश्चन है किसी को?
निग्रस्त आ रही है, पता लिखा तो यहाँ पर अपना वो अभी तो वही बता था, निग्रह स्थान में फिर समझा देता हूँ। जब व्यक्ति इधर उधर की चीजें दे लॉजिक देता है, हाँ जैसे उसका तीन पार्ट हुआ ना जल का, एक तो छल करेगा धूप, हाँ दूसरा क्या जाति में, ऐसे वर्ड्स ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जो कि समझ में नहीं आए, और तीसरा है निग्रह स्थान, वो फॉल्ट निकाल देगा बातचीत के दौरान, बताया ना उंगली दिखाना ऐसे करके, तुम बात करते करते घुमा देगा उंगली दिख जाएगी, तुमने ये गलती की, तुमने ये बोल दिया, या तुमने संस्कृत में ये हलंत लगाया नहीं था, ऐसे तरह करते हैं इसको जल के निग्रह स्थान। ठीक ठीक है, हो सकता थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, इतना कंटेंट आ गया होगा कि हम लेक्चर में बोल सकते हैं। और कोई पूछ ले आपसे कि प्रभु जी बिल्कुल समझ नहीं आया बताइए, बोला माला करो ध्यान से सब सही हो जाएगा, या चार पांच आंसर मिलेगा आपको, जिसको समझ नहीं आता ना आंसर नहीं आता याद, एक तो ये कल्प भेद है, ऐसे बोलते हैं कल्प भेद है ये सब, युगों में अलग अलग भेद है ये सब प्रश्न, दूसरी चीज है कि यही ध्यान माला वाला कितनी माला करते, बोले चार आठ करो, आठ करो ध्यान, हाँ पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं हो, प्रश्न पूछते हो तो क्लास में, क्लास में पूरे टाइम सो रहे थे, प्रश्न क्यों पूछ रहे हो, ऐसे भी कर देंगे, एक थकते लेक्चर दे रहे थे। अब उनको ना जिसने हाथ उठाया था ना वो व्यक्ति बड़ा लॉजिकल व्यक्ति था, वो समझ गए क्वेश्चन पूछेगा तो मुझे मतलब चुप हो जाऊंगा आंसर दे नहीं पाऊंगा, जैसे हाथ खड़ा, पढ़ते लिखते हो नहीं प्रश्न पूछ रहे, चुप हाँ भाई और किसी का प्रश्न है, अब कौन पूछेगा तुम, और मंदिर में बता सब असर। चल जाति निग्रह से बनता है जल, अभी जो डिबेट चलते हैं वो क्या डिबेट्स हैं, कोई हिसाब किताब नहीं, कहीं से कुछ भी बोल दिए, बातों घुमा दिया, मतलब आजकल पूरा न्यूज उसी से भरा हुआ है फालतू के। हाँ बहुत सुनते हैं, पता नहीं पागल हो रखे हैं, हर किसी के दिमाग में वही चल रहा है, और पूछते भी गए लोग आके हमसे, तो जी आपको खिलाफ हिसाब से कौन सही है, मेरा मेरे हिसाब से कृष्ण सही है और सब गलत है, और क्या, और जो हमारा वाद हो जो ये भगवान बोल रहे हैं, तो ये इसी में जो रूपा जी जैसे पर्पोर्ट्स में देते हैं, एविडेंस देते हैं, अपना भी लॉजिक देते हैं, वो जो रूपा जी के एग्जाम्पल्स है ना वो एक्चुअली वाद, और एब्सोल्यूट ट्रुथ को प्रूव करने के लिए जो तर्क देते हैं, अपना अपना कुछ नहीं है। और इवन प्रभुपाद जी बोलते हैं जब कोई आपसे आर्गुमेंट करता है तो आर्गुमेंट के दौरान आप उसको डिफीट करना चाहते हो या समझाना चाहते हो कृष्ण को एस्टेब्लिश करने के लिए, दैट इज रियल वाद, वो दर्शन जो है वो सही है, वो वाद सही है, लेकिन अब मैं सही हूं, मैं भले बोल नहीं पाऊंगा लेकिन मैं सही हूं, ऐसा नहीं होता, तो आपको शास्त्रों से बोलना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद जी सारे भगवद्गीता के पर्पट में कितने सारे चीजें कहाँ कहाँ से लाकर डाली, पूर्ववर्ती आचार्यों का, शास्त्रों का, वेदों का, इसलिए डाला। ओके थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा श्री प्रभुपाद की जय। नहीं श्लोक तो नहीं हुआ, एक ही हुआ, एक ही श्लोक हुआ, हाँ एक होंगे, नहीं।